नमस्ते, आज अपन कांदा भजे बनाने वाले हैं। और चलिए कांदा भजे कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। मैंने 8-10 मिर्ची ली है, 2 प्याज लिए हैं, इसके छिलके निकाल लिए। अभी मिर्ची को काट लेते हैं अपन, ऐसे बारीक बारीक काट लेते हैं। आप भी आपके हिसाब से जैसे काटना है वैसे मिर्ची काट सकते हो। और देखिए ऐसे मिर्ची काट ली मैंने, अभी प्याज भी अपन ऐसे काट लेते हैं। ये देखिए ऐसे स्लाइस वाले प्याज मैंने काट लिए है बारीक बारीक। ये प्याज भी एक हो गया काट के, अभी दूसरा प्याज भी अपन ऐसे ही काट लेते हैं। अभी मैंने ये प्याज भी काट लिया है, मिर्ची भी काट ली है। अभी अपन एक बर्तन में इसको निकाल लेते हैं। ये मिर्ची भी मैंने इसमें डाल दी है। प्याज को अपन अलग अलग कर लेते हैं। अभी मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, ये थोड़ा सा धनिया लिया, इसको भी ऐसे बारीक बारीक काट लेते हैं अपन। और बहुत आसान रेसिपी है ये, घर पे भी आप बना सकते हो, बाजार से लेने से अच्छा घर पे आप बना सकते हो। और मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है, 1/2 चम्मच नमक लिया है। और अभी अपन अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा पानी डाल डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और इसको बहुत कम पानी लगता है, ऐसे एकदम गाढ़ा गाढ़ा बनाना है इसका घोल। अभी अपन तेल डाल देते हैं कढ़ाई में, तेल गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है अपना। अब देखिए मैंने ये भजिया डाल के देख लिया है, तेल अच्छी तरह गरम हो चुका है। अभी अपन भजिए डाल देते हैं। कांदा भजे बहुत टेस्टी लगते हैं, आप घर पे जरूर बना के देख लीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए भजे कैसे बने। देखिए ये अभी भजे को ऐसे पलटते रहना है, बहुत टेस्टी, बाजार से लेने से अच्छा घर पे भी ऐसी रेसिपी बन सकती है। इसको पाव या ब्रेड के साथ आप खा सकते हो। ये देखिए मैंने एक बैच निकाल ली है। अभी ये दूसरी बैच डाल रही हूँ कढ़ाई में। ये देखिए अभी अपन पलट लेते हैं भजिए को। भजिए को ज़्यादा जलाना भी नहीं है, वो मीडियम रखना है। ये देखिए अभी अपन निकाल लेते हैं। देखिए ये देखिए बहुत अच्छे बन चुके हैं। अभी अपन एक बर्तन में निकाल लेते हैं भजिए को, कांदा भजी। ये देखिए इसमें डाल देते हैं कढ़ाई में, छोटी कढ़ाई है इसमें मैं ये निकाल रही हूँ। 2 मिर्ची लिए, इसको मिर्ची या पुदीना की चटनी के साथ आप खा सकते हो। ये देखिए अभी अपने भजे बनके रेडी है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।